नगर में कांग्रेस कमेटी कैंप कार्यालय में श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी के निवास पर नगर अध्यक्ष आदित्य गुप्ता पदयात्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नगर में कांग्रेस कैंप कार्यालय में श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी के निवास पर नगर अध्यक्ष आदित्य गुप्ता पदयात्री के द्वारा आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा ज्योति एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मंसूर अहमद की उपस्थिति में देश की वर्तमान परिस्थितियों को कांग्रेस के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए कांग्रेस जन द्वारा जिला वाइज तहसील ब्लॉक वाइज प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के साथ हो रही दुर्व्यवहार की निंदा की जा रही है एवं भारत को शून्य बनाने के लिए पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव में प्रेस वार्ता के माध्यम से हो रहे अन्याय को दिखाना चाहती है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पद से हटा देने की भी घोर निंदा किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य रूप से अख्तर अली, धनुर्धारी यादव, अरमान अंसारी, आशुतोष कुमार यादव, अफसर अली, आदित्य गुप्ता पदयात्री, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी चुनार, श्यामधर उपाध्याय, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी प्रभुनाथ तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। अहिंसा को अपनाते हुए उस तरह से बिना कोई हुड़दंग किए हम अपनी बात जनमानस में पहुंचाना चाह रहे हैं। कुछ करने के पूर्व कोर्ट ने जब सजा दिया तो उसी समय उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनको एक महीने का समय दिया गया अपील के लिए और पार्लियामेंट के अंदर उसी दिन शाम तक उनको सस्पेंड कर दी गई, जबकि कुछ ऐसे उदाहरण पेपरों में ही आए थे। इसके बाद जो पेपरों से हम लोगों को मालूम हुआ, प्रिंट ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मालूम हुआ कि कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी 10-10 साल की सजा हो चुकी है और वो बेल पर हैं और उनकी सदस्यता नहीं समाप्त की गई, तो ये क्या बताता है? जब उनको तुरंत कोर्ट ने अपने अंडर अरेस्ट नहीं किया, सजा देने के बाद एक महीने का समय उनको दिया गया अपील के लिए, तो कोर्ट ये लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने की क्या जरूरत, क्या जल्दी थी कि उसे एक ही दिन में प्रस्ताव लाया गया, पास कर दिया गया और सदस्यता समाप्त कर दी गई? वो एक हफ्ते में बंगला खाली करने के बंगला खाली करने की नोटिस दे दी गई, तो ये क्या बताता है? तो कोर्ट में जाने की बात है, वो बात चल रही होगी तो टॉप लेवल की बात है, वो वहाँ के हाईकोर्ट के कोई कार्रवाई हो एकदम, जैसे कि मान लो विपक्ष को एकदम शून्य कर देना चाहते हैं देश से। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, अपना हक मानने का अधिकार है, और उसके बाद आप जो है 24 घंटा नहीं बीता आपने उनकी जो लोकसभा की सदस्यता आपने निरस्त कर दी, जबकि उनको एक महीने का समय कोर्ट ने दिया।